हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से हम कोई एक वेरिएबल निकालेंगे एक्स या वाई और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। मैं सेकेंड में से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू वाई को मैं उधर भेज रहा हूँ 4 प्लस वाई। तो ये जो x की वैल्यू आई इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, लिख लीजिए आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। हमें क्या पुट करना है, x के जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4 प्लस वाई प्लस वाई, जहाँ x था वहाँ पे हमने 4 प्लस वाई रख दिया, प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, 2y equals to 14 minus 4, that is 10, y equals to 10 upon 2, that is 5. तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो या सेकेंड में, इसको मैं थर्ड मानता हूँ या भी थर्ड में, बेटर होगा कि आप थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर लो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है x equals to 4 plus y और हमने y की वैल्यू निकाली है 5, तो x equals to 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो x की वैल्यू 9 है और y 5 है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है आपको, किसी एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको सॉल्व करना है, तो आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट में ये दो इक्वेशन गिवन है, मैं इसको मान लेता हूँ ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। मैं फर्स्ट में से s की वैल्यू को निकाल के सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो s माइनस t इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से s क्या हो जाएगा 3, t को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस t। अब इस s की वैल्यू को हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। 2 है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। s हमने क्या निकाला 3 प्लस 2, इसे आप थर्ड इक्वेशन में जूम कर लीजिए, तो 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 से 2 टाइम में 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2 से 3 टाइम में 3t इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36, इसको उधर भेज दीजिए आप, तो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 दैट इज 30, t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 दैट इज 6, t 6 आया। अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। 3 है s इक्वल्स टू 3 प्लस t हमने 6 फाइंड आउट किया है, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 दैट इज s इक्वल्स टू 9। तो s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। पार्ट 3 में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, पहले वाले को मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y 9 को मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आप इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगा, 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3 इंटू 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्वेशंस को इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो तीनों आपको इक्वल मिलेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको, मैं इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू को निकाल कर इक्वेशन 2 में रखूंगा, तो सॉल्व कीजिए, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 है, y को उधर भेज दीजिए 3 को उधर ले आइए, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान रहा हूँ और इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो जहाँ पे y है हम वहाँ पे वैल्यू यूज कर लेंगे 3, y के जगह लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 9x माइनस 3 इंटू 3x 9x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू 9, ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल्स टू 9,
ये तो हमेशा ट्रू होगा, लिख लीजिए विच इज ट्रू। हमें कोई वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब है इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब भी इस तरह का कंडीशन आए ऑलवेज ट्रू वाला, तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे, तो हम लिखेंगे हम हेंस द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। आज के वीडियो में इतना ही था, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए।